नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके तीन डोनर एरिया होते हैं, आपके पीछे के बाल होते हैं, दाढ़ी के बाल होते हैं और छाती के बाल होते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन डोनर एरिया हमारे होते हैं, ये बालों को किस तरीके से सर में जो है अरेंज किया जाता है, इसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो जो है, जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका मेन मोटिव होता है सबसे पहले कि आपका जो ये एरिया है, मतलब आपका हेयर लाइन है, इसको अच्छा करा जाए। मींस जितने ज़्यादा बाल आपके सर में लगाए जाएंगे ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, वो आपके इस एरिया में, हेयर लाइन में, मींस हेयर लाइन को बहुत ही सॉलिड बनाते हैं, क्योंकि हेयर लाइन से ही जो है आपका फ्रंट लुक आता है। मींस आपके फ्रंट लुक को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं वो, मतलब हेयर लाइन में ही आपके सबसे ज़्यादा बाल लगाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बाल बचते हैं उनको जो है बाकी इस एरिया में बुना जाता है धीरे धीरे। अब मैं आपको बता देता हूँ बुनने के लिए क्या करते हैं, कहाँ पर यूज़ होता है छाती के बाल, दाढ़ी के बाल और पीछे डोनर एरिया के बाल। जो मुझे डॉक्टर्स ने बताया है, डॉक्टर ने ये बताया कि छाती के बालों को जो है हम हेयर लाइन को शो करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि हेयर लाइन में आमतौर पर आप देखिएगा, हेयर लाइन में ज़्यादा मोटे बाल नहीं रखे जाते, छोटे छोटे पतले पतले बाल ही होते हैं हेयर लाइन में, तो उसको जो है छाती के बाल वहाँ पर लगाए जाते हैं। ये नहीं कि पूरे छाती के बाल वहीं लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। जो मुझे समझा है डॉक्टर्स ने कि ये आपको अल्टरनेट तरीके से, मतलब एक जगह पे दाढ़ी के बाल, एक जगह पे सर के आपके डोर पीछे के डोनर एरिया के बाल और एक जगह पे छाती के बाल, इस तरीके से जो है इसको अरेंजमेंट करके जिगजैग तरीके से रैंडमली इसको अरेंज किया जाता है। बाकी जो आपके डोनर एरिया के जो बाल होते हैं उसको इस जगह पे लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बाल जो है आपके एक पर्टिकुलर एंगल में रखे जाते हैं, मीन्स यहाँ के यहाँ पे जो है बाल आपके आते आते बिल्कुल खड़े रहेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, और धीरे धीरे आते आते जो है वो स्लोप होता जाता है धीरे धीरे, ताकि बाल आपके गिरे दिखे। तो दोस्तों पूरे वीडियो का सार ये निकलता है कि आपके मैक्सिमम जो बाल हैं आपके हेयर लाइन में लगाए दिए जाएंगे, हेयर लाइन में, और उसके बाद जो बाल बचते हैं वो यहाँ पे लगा दिए जाते हैं, ताकि सबसे पहला जो फ्रंट लुक है वो आपका अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने उस बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।